तो आज का वीडियो होने वाला है MT-15 के ऊपर। तो यार ये 2023 मॉडल है जिसमें आपको यार काफ़ी नए फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब यार जो इसका मेन फीचर्स है वो इसका है डुअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल। तो यार अब आपको R15M और V4 की तरीके इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। तो यार सेफ्टी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। यार पहले आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए नहीं मिलता था कंपनी की तरफ से, तो काफ़ी स्कटिंग की प्रॉब्लम आती थी। अब आपको कंपनी से ही डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है। वैसे भी यार बाहर से तो ABS लगता नहीं है, कंपनी से ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यार आपको अब डुअल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा एडवांस फीचर अब MT-15 में भी देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें यार प्राइसिंग की, तो यार एक कानपुर में ऑन रोड 2 लाख रुपये की पड़ती है यार। तो यार इस प्राइस पॉइंट में आपको डुअल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल और कुछ चैप्टर तो हालांकि अभी भी कंपनी ने इसमें नहीं दिया है, वो सिर्फ R15M और V4 में ही मिलता है आपको कुछ मॉडल पर। बात करें यार पावर फिगर्स की, तो यार इसमें आपको 18.1 BHP का पावर और 14 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करता है इस बाइक में। आपको काफ़ी पंची सा फील इस बाइक में आता है क्योंकि इसमें आपको चैन स्पॉकेट 52 टीथ वाला देखने के लिए मिलता है। वहीं R15 में आपको 48 टीथ वाला चैन स्पॉकेट देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको बड़ा चैन स्पॉकेट देखने के लिए मिलता है जिससे कि अगर इस बाइक का इनिशियल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इसमें आपको फ्रंट में बाई पर्सनल LED देखने के लिए मिलती है और इसमें आपको जो DRL देखने के लिए मिलते हैं। और ओवरऑल बात करें पूरे सेटअप की, तो इसमें आपको ट्रांसफार्मर टाइप का लुक इसमें आता है इस बाइक में, जो कि यार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दूर से ही बाइक यार थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है देखने में, आपको ऐसा लगता है इसमें 3 लाइटें जल रही हों, क्योंकि DRL भी भाई इसमें काफ़ी तेज़ जलते हैं। और लाइट की तो भाई बात ही अलग है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है लाइट। और बात करें इसके मीटर की, तो इसमें आपको यामाहा R15 V3 वाला मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको नेगेटिव डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जो कि यार काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आपको सारे बेसिक फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे RPM, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, और गियर पोजिशन इंडिकेटर और इंडिकेटर सिग्नल्स और ABS की लाइट। इसमें आपको अधिकतर फीचर्स इसके मीटर में देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात करें यही मीटर आपको FG V4 में भी देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो मेजर अपडेट था वही था डुअल चैनल ABS, बाकी कंपनी ने जो वर्जन 2 आई थी MT की, तो उसमें यार आपको वैसे भी सारे फीचर्स दे दिए थे कंपनी ने, आपको अप एंड डाउन फोक दे दिए, एलुमिनियम स्विंग आर्म दे दिया था। बस कमी थी यार इसी चीज़ की कि आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने के लिए नहीं मिलता था। यार वो भी अब कमी यामाहा ने पूरी कर दी है जिसमें आपको डुअल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बात करें ब्रेकिंग की, तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS तो देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, वहीं रियर में आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ में। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो और साइड स्टैंड कुल स्विच भी देखने के लिए मिलता है जिससे कि यार आपकी बाइक की सेफ्टी काफ़ी हद तक बनी रहती है। ये बिल्कुल ही नेकेड टाइप में बाइक आती है, यार काफ़ी लुक इसका अच्छा लगता है ट्रांसफार्मर टाइप का। और बात करें टैंक साइज की, तो इसमें आपको 10 लीटर का टैंक साइज देखने के लिए मिलता है जिससे कि यार माइलेज आपको 40 से लेकर 50 KMPL का माइलेज आराम से देखने के लिए मिलता है। और बात करें टॉप स्पीड की, तो 140 KMPL के एबव ये आराम से बाइक अचीव कर लेती है। तो यार इसमें आपको कोई भी राइडिंग मोड्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं जिस प्रकार से R15 में डिस्प्ले मोड्स आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और वही हाल इसकी भी चैन का है, काफ़ी ज़्यादा लूज होती है चैन, मेरे दोस्त के पास है तो उसमें भाई बहुत ही जल्दी लूज़ होती है चैन ये। और एक कंपनी ने अच्छी इसमें अपडेट दिया है कि अब आपको जो 2023 वाला मॉडल है तो उसमें यार आपको बिल्कुल ही बढ़िया से बिल्कुल LED इंडिकेटर कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी फिटेड। आपको कोई भी आफ्टर मार्केट या एज एसेसरीज में इंडिकेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कंपनी से ही सब कुछ काम मिलता है। तो यार ये काफ़ी अच्छा फीचर था इस बार कि आपको इसमें 3 मेजर अपडेट दिए गए, एक तो LED इंडिकेटर्स का, ऊपर से इसमें आपको एक नया कलर स्कीम देखने के लिए मिलती है ब्लैक टाइप में, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसमें यार आपको जो इसका माइलेज है, तो इसमें यार आपको माइलेज तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसमें आपको काफ़ी रिफाइंड इंजन देखने के लिए मिलता है, आपको इसमें 6 गियर स्पीड बॉक्स देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने के लिए मिलता है। यार जो कमियाँ थी इस बाइक में सब कुछ इस टाइम पूरी हो चुकी हैं, तो यार पूरी तरीके से रेडी है NS200 और Duke 200 जैसी बाइकों को टक्कर देने के लिए अपने नेकेड रूप में।
और वीडियो के लास्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स एम टी 15 के। तो यार पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है एम टी 15 में कि इसकी सीट काफ़ी छोटी है पीछे वाली, आपको इसमें PM के साथ में राइड करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इसकी सीट कुछ ज़्यादा अच्छी खास है नहीं। और इसमें आपको कम्फर्ट तो राइडिंग मिलता है मगर PM के लिए उतना कम्फर्ट नहीं मिलता है। और थोड़ा सा इनिशियल भी आपको ये बाइक लैग करते हुए नज़र आएगी क्योंकि नेकेड है, तो यार इसमें आपको विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और वैसा R15 जैसा इसमें लुक भी नहीं आता क्योंकि यार इसकी प्राइस इस समय 2 लाख रुपए है, उतने में आप यार 2 लाख रुपए में एक R15 वाले मॉडल 5-10 हज़ार रुपये लगाकर R15 के V4 वाले मॉडल की तरफ जा सकते हैं, तो वो काफ़ी आपको स्पोर्टी लुक में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ कम्फर्ट चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं और आपको इसमें माइलेज तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला ही है। और वहीं बस थोड़ा सा इनिशियली ये लैग करती है बाइक, बाकी ओवरऑल आपको मिड रेंज और टॉप एंड तो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर आप इसके अलावा कोई बाइक लेना चाहते हैं तो वो मैं अगर रिकमेंड करूँगा NS200 या वो आपको पल्सर F250 के ऊपर जाने के लिए, तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको इनिशियल पिकअप देने के लिए मिलता है मगर वहीं आपको माइलेज से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो माइलेज अच्छा दे और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा इनिशियली कम चले तो उसके लिए आप MT15 में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।